सो डे टू हम आ चुके हैं मुन्नार केरला में। तो अब यहाँ से जो है हमारा नज़ारा शुरू होगा मुन्नार का। और यहाँ बहुत हम थक चुके थे यार, क्योंकि मतलब इतना चक्कर जैसा आ रहा था। तो मुझे लगा कि मुन्नार में सबसे पहले मुझे जाना चाहिए नहाने और फ्रेश होने भाई। लेकिन यहाँ का जो पानी है ना भाई, इतनी ठंडी की क्या बताऊँ। गाइस मुन्नार में आने के बाद सब कम करना है, लेकिन यहाँ नहाने मत जाना भाई। जो पानी है ना, लग रहा जैसे भाई अभी अभी बर्फ़ पिघल के निकला हुआ है। बहुत बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा। ये गलती नहाने का बिल्कुल मत करना। चलो अब हम जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, बहुत थक चुके हैं। रात से चले थे यार, अभी पहुंचा हूँ मुन्नार में। और यहाँ से जो है खाना खाने के बाद थोड़ी देर वेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे व्यू पॉइंट पे और वहाँ से हम लोग लेंगे वीडियोस। चलो तो अब हम जाएंगे गाइस खाना खाने, जो होटल सर्वनाश जो है रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे। भाई इन्होंने नाम क्या दिया यार, पहले ही बर्बाद कर दिया होटल को, सर्वनाश नाम देके। यहाँ खाना देखिए, आपको चावल थोड़ा अलग किस्म का देखेगा, और जो पूरी आपको जो दिख रहा है वो पूरी नहीं है, वो पापड़ है। ये रहे ऑटो वाले भैया जिनके साथ हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट देखने कि वहाँ से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से मस्त नज़ारा होगा। भैया बोले चलो ठीक है, 100 रुपया लिया भैया को हमने दिया सिर्फ जाने का। भैया ने बोला 200 होगा आने का भी। हम बोले आना नहीं है, हम चल के आ जाएंगे, सिर्फ ले के चलो, वहाँ हम बहुत 2 घंटे तक रुकेंगे। हम गए ऑटो से व्यू पॉइंट देखने, और वहाँ पर जहाँ पर ये हमको ले जा करके उतारे, वहाँ से हमने व्यू पॉइंट देखा। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कौन सा जगह उतारा 100 रुपये लेने के बाद। व्यू पॉइंट बोल के बंदा ये वाला जगह ला के दिखा रहा है यार, ये गलत बात है ना। 200 रुपये भी ले लिया यार, यहाँ पे व्यू पॉइंट बोल रहा है, ये व्यू पॉइंट क्या खाक। इधर तो पूरा ऑटो शोटो सब आ रहा है, अब अपने को ही चल के जाना पड़ेगा यार यहाँ से। ठीक है, बहुत लंबा अब चलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जाना है। चलो तो गाइस कुछ ऐसी जगह पे अभी मैं आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन भाई यार ये पूरा का पूरा आपको यहाँ भी घर वगैरह सब दिख रहा होगा, तो यहाँ भी लोगों ने घर वगैरह सब बना रखा है। आप देख सकते हैं इधर पूरा का पूरा घर बसा हुआ है यार। जंगल में रहने का इनका भाई एक अलग ही आनंद होगा। ठीक है, आगे और वीडियो बनाएंगे, चलिए आगे देख। सो गाइस मुझे लगता है कि इतना काफ़ी नहीं था ऑटो में आकर के नज़ारा देखना, तो इसलिए मैंने दोबारा रिस्क लेते हुए भी बस लिया, और बस से हम जा रहे हैं ये मुन्नार का नज़ारा देखते हुए। आप देख पा रहे हैं कितनी औसम है यार, कितनी औसम है। बहुत मज़ा आया मुझे भी ये नज़ारा देख के, आपको भी आनंद आ रहा होगा। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे एक बार उतर के भी थोड़ा जा करके देखना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं था, यहाँ बस स्टॉप नहीं था। तो यहाँ एक बंदे से हम बात करने वाले हैं जो कि एक इंग्लैंड का बंदा है, बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है यार। मुझे अचानक से भटकता हुआ मुसाफिर दिखाई दिया, हम बोले भाई चल कंपनी हम भी देंगे तुझे। फिर हम दोनों एक साथ वार्तालाप किए, आप देख सकते हैं हमने क्या बात किया। तो भाई आज हम भाई से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो सबसे पहला मैं भाई से क्वेश्चन पूछा था कि इसकी भाई कोई प्रेमिका है कि नहीं, भाई ने बोला कि भाई थी, भाई धोखा दे दिया, उसके बाद से अभी यहाँ पे बैठा। ये भाई इंग्लैंड से है और इनका नाम नेफ है, नेफ राइट, तो नेम इज नेफ। हाँ, ये भाई का नाम नेफ है। भाई की खूबियाँ जो है, चाल चलन जो है, भाई थोड़ी कत्तई लड़की जैसी है, लेकिन इज रियली लुकिंग सो कूल एंड नाइस, इज अ वेरी नाइस लुकिंग, हैंडसम, इज अ रियली हैंडसम गाय। Hey bro, what do you want to say about? What do I want to say about India or yeah, about here India, or? As for best, how many days you have since you are staying in India? Days, I don't know, 60 something, 67, I don't know, Turner. 60 days? Yeah, it's been. 2 months? Yeah, it's been 2 months. Oh my God. Yeah, like 68 days. Amazing. So what's your experience about the Indian people, Indian culture? What do you think about the India? I've got no bad words to say, really. Genuinely, like I don't know, like it's obviously it's a huge country, so I can't speak okay, for everyone. Did you ever feel any trouble because of Indian people? Like anyone give you any trouble, like some? No, I think that's something really that like. It's interesting because like that's what I heard a lot of when I was like coming to India. Like it seems to be, but I find that's like places you go. Some places seem to have a reputation where like, I don't know, from an outside perspective. But I think with India, it just tends to be that people deem it to be intense, I guess, because like when you think of like cities like Delhi or something. In Delhi, you face some problem? I didn't go to Delhi. I was going to, but I. Don't think careful, it's gonna. Be careful in the Delhi when we visit there in Delhi. Seriously. I don't think I will this time. I don't think I'll make Delhi it. There, guys. I mean, not that much danger, but as compared to the Kerala peoples, they will not treat you like that. Yeah, no, so yeah. The people are really different in the from the north area in the north India. Area if seems, you visit that side, so be careful. So Kolkata was like maybe the place where it was the most like
I don't know where it felt, but I think I'd just arrived as well. So like I was like, that was like me arriving to India, but it was still like everywhere I've been, everybody's been really friendly. And like, like Indian people are just like so generous and friendly and lovely and helpful. Oh, and yeah, like, I think, you know, like there's the occasional sort of, but I think that's just like, as long as you know, the only time where you feel like people are trying to take you for a ride is when you go in for an auto drive and the driver tries to charge you 3 times the price. But like, I don't mind paying more for an auto or for getting around than like, than, you know, somebody living in India, because like our wages in the West are a lot better. But like, you know, and I think also with that sort of thing, they're not really trying to take the piss, because if you, like, you know, if you just haggle and barter, they'll, that, you know, you can meet a middle ground. So I don't even really think they're trying to take advantage. So I haven't really had any negative experiences at all, really. I can't, like, there's none coming to mind at all. I've heard, obviously, like, I've spoken to, like, women who've had some unpleasant experiences with, like, men. But I think, like, generally it seems to be that everybody that comes here seems to, like, anybody from outside of India that comes here seems to love it. And I think, obviously, like, everywhere, like every sort of different city and different state has different things to offer. Have you ever found any person like who belongs to the England and you meet in India? Yeah, plenty. How that time, how is the feeling? Yeah, I mean, to be honest, I tend to avoid English people. भाई जब हम लोग रिश्तेदारों के घर जाते थे ना, मतलब, और वहाँ पे अपने गांव का कोई मिल जाता था, भाई खुशी डबल हो जाती थी। वैसा ही भाई इंग्लैंड का है, इंडिया में है, और जब इंडिया में इंग्लैंड के लोग दूसरे आते हैं, जब वो मिलता है ना, भाई फीलिंग अलग होती है, उसकी भाई तुलना ही नहीं कर सकता कोई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, इतना था मेरे ख्याल से। कहा ओवरऑल दिस इज़ अ नाइस प्लेस, nice people which I really found in this during the blog. Sare logon ne support ki. Yes. फिर जो है हम गाइस रिटर्न आए, अलुवा नाम का जगह था वहाँ, अलुवा में, और वहाँ से हमने लिया एक रूम, जो कि आप रूम देख सकते हैं कैसा रूम हमने लिया है, जो कि 400-500 रुपये मैंने दिया था उन्हें रूम के लिए, और ऐसा रूम कुछ हमें मिला हुआ। और ये रूम जो है कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं, बट ठीक ठाक है 500। सो गाइस, 2 से 3 दिन जैतून रेसिडेंसी में रुका हूँ, और यहाँ पर जो है मुनार मैंने कवर कर लिया। नेक्स्ट जो है, चलो हम अंदर से जा करके वीडियो लेंगे। सो मुनार में आई थिंक मेरे जाने के बाद वहाँ पर 2 से 3 दिन का एक्सपीरियंस यहाँ केरला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, तो मैं वो बता दूँ, बहुत अच्छे लोग हैं यार, यहाँ बहुत फ्रेंडली। जब मैं बस स्टैंड से निकल रहा था कोची से यहाँ आने के लिए, तो वहाँ पे मुझे 2 लोग मिले जो कि बहुत ही सपोर्टिव थे। पहला जो हमें मिला, एक सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, जिनको मैं रात को बोला कि सर अगर मैं सुबह जाते जाते अगर लेट हो गया तो क्या करना। उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जगा दूँगा, कितना बजे तुम्हारा जो है बस है मुनार के लिए। मैंने बोला सर 5:30 पे, भाई एग्जैक्ट 5:20 पे उन्होंने मेरे को आके जगाया, और मैं वहाँ से डायरेक्टली मुनार के लिए आ गया। दूसरा जो बंदा जिनसे हमने बस के लिए पूछा, जो वहाँ का जो बस स्टैंड का ऑफिसर थे, उन्होंने भाई एग्जैक्टली मैंने पूछा तो उन्होंने हाथ दिखाया कि वहाँ पे बस है। मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि कौन सा बस है, क्योंकि वहाँ जो लिखा था सब मलयालम लैंग्वेज में लिखा था। फिर वो वहाँ से मुझे पकड़े और डायरेक्ट हाथ दिखा करके ले जाके वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ से एग्जैक्टली तुम जाओगे, ये बस तुम्हारा है, जा करके बैठ जाओ। ठीक है, उन्होंने फिर वहाँ से मुझे बिठाया और मैं आ गया मुनार के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, जो लोगों का एक्सपीरियंस है, ओवरऑल यहाँ के लोगों का बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। जो स्टाफ है आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है यार, बहुत ही कोऑपरेटिव है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है, यहाँ आने के बाद ज़्यादा हीरो मत बनना, हीरोबाजी मत करना, थोड़ा पेशेंस रख के इनसे बात करना, ठीक है, चिल्ला के बिल्कुल नहीं, शांतिपूर्वक से बात करना। क्योंकि यहाँ के लोगों को थोड़ा स्लो स्मूथली बात करोगे तो बहुत इनका मानना है कि भाई तुम अच्छे हो, चिल्ला के बात करो गंवार डिजर्व करोगे भाई, फिर तुमको गालियाँ डिजर्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें फूड के बारे में, तो फूड ऑलमोस्ट भाई यहाँ जो फूड मिलेगा ना तुमको, एक बीफ मिलेगा यार, बीफ जो गाय मांस जो कॉमन है हर जगह मिल रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ा अवॉइड करना अगर तुमको पसंद नहीं है तो। अगर दूसरा हम बात करें फीड में, तो इडली डोसा तो साउथ में तो हर जगह कॉमन है, ये भी केरला साउथ के अंदर आता है, तो यहाँ भी भाई ऑब्वियस बात है इडली डोसा तो मिलेगा। अब मछली का हम बात करें, तो मछली जो है तुमको भाई, मछली तो केरला में मोस्टली भाई ये तो बहुत अच्छा है, तुम आओ और मछली ना खाओ तो मछली ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने ट्राई किया था भाई, ऑसम था, बहुत ही यम्मी था यार। नेक्स्ट हम बात करें रूम का,
रूम का जो है यहाँ रूम भी तुमको अफोर्डेबल है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा रूम, 400-500 में रूम तुमको मिल जाएगा वन नाइट के लिए। जो एक बेड होगा नॉर्मल सा, अंदर एक छोटा सा टेबल होगा, बेसिक सा तुमको मतलब कंफर्टेबल होगा, एक फ़ैन भी होगा, फ़ैन वाले होगा, नॉन एसी होगा, लेकिन ओवरऑल जो रूम होगा तुम्हें रहने के लिए एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, भाई एक हफ्ता भी रहना आई थिंक कि ठीक ठाक है। एक रूम मतलब वन जो बेड तुमको वहाँ पे मिल जाता है, इतना एक अच्छा खासा एरिया भी होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक आदमी के लिए एक बेड ही बस उसमें कॉमन होगा, एक टेबल लगा सकते हो, इतना ज़्यादा एरिया नहीं होता है रूम का, लेकिन ओवरऑल ठीक है रूम। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ कुछ रूल्स बस के हैं। बस का रूल्स ये है कि आगे का चार जो सीट है वो महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो उसमें गलती से भी मत बैठना, ठीक है, गलती से भी मत बैठना, क्योंकि वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं वो लोग उसके लिए। तो चार आगे का जो सीट है वो अवॉइड करना बस का, पीछे बैठना। बस यहाँ पे कॉमनली जो देखने को मिलेगा वहाँ पे खिड़कियाँ जो है बस के ऊपर, हमारे यहाँ शीशे होते हैं, यहाँ शीशा होगा ही नहीं कुछ बसेस में, प्राइवेट बस हैं जिसमें कि शीशा है, बट गवर्नमेंटेड बस में मोस्टली आपको शीशा देखने को बस में नहीं मिलेगा, जिससे पहचान में आ जाता है कि ये केरला का गवर्नमेंट बस है। दूसरा हम बात करें ऑटोज़ का, तो भाई ऑटोज़ तो हर जगह लूटते हैं, यहाँ भी लूटते हैं, मुझे लगता है कि एक किलोमीटर भी बंदा नहीं ले गया मुनार के अंदर, और भाई उसने मेरे से 100 रुपये ले लिए। फिर मैंने डिसाइड किया भाई पैदल ही सही है, ये ऑटो से बड़ा मतलब अच्छा है कि पैदल ही चले जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज का, तो यहाँ केरला का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह है मलयालम। दूसरा हम बात करें तो हिंदी, यहाँ पे तुमको ऑलमोस्ट 40-50% लोग मिल ही जाएंगे, बट दोज कि वो लोग प्रोफेशनल सेक्टर में बिलोंग करते हैं, दूसरे सेक्टर में तो वो लोग बिल्कुल भाई डिजर्व नहीं करते हैं। और उसके बाद तुमको मिल जाएगा भाई इंग्लिश, भाई इंग्लिश नेक्स्ट लेवल है यहाँ की, मतलब ऑटो वाले से लेके चाय के टपरी वाले से लेके और जो रोड पे बना रहे भैया पानीपुरी वो भी भाई इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो इंग्लिश की जो बात है वो भाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, अगर तुम इंग्लिश जानते हो कम्फर्टेबली कहीं भी सर्वाइव कर लोगे केरला में, कहीं भी रह लोगे यार। मैंने देखा है फॉरेनर को एक ऑटो वाला ड्राइवर भाई इंग्लिश में बता रहा है कि यहाँ जाना वहाँ जाना, यही मुझे लगता है रीज़न है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत अलग तरीके से, बहुत समझा बुझा करके लोगों को बताया गया है कि इस तरह से नहीं भी तुमको अगर कुछ आता है तो एटलीस्ट इतना आना कंपल्सरी है। नेक्स्ट हम बात करें अब उसके बाद तो प्लेस टू विजिट, तो कोची में चला गया हूँ, कोची आप लोग देख सकते हैं इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है। उसके अलावा मुन्नार आपको जाना है, अगर जैसे ग्रीनरीज वगैरह देखना मुन्नार आप जा सकते हो, ट्रेकिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है मुन्नार। उसके अलावा अगर आप फैमिली से जा रहे हो तो फैमिली के लिए एक जगह है अलोपी, अलोपी अगर आपको जाना है वहाँ पे आपको हाउस बोटिंग वगैरह सब करने को मिल जाएगा, सो रिवर्स वाटरफॉल आप वाटर वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द केरला, और केरला में जो चीज़ भी अभी इतने दिन मैंने रह के एक्सपीरियंस किया है वो आई थिंक इतना बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर आपको जाना है तो केरला एक बार ज़रूर जाना यार, क्योंकि केरला में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, लोग खाना, यहाँ का रहना सहना, वो केले के पत्ते पे आपको खाना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा केरला में। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारा वो रामेश्वरम का है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट रामेश्वरम वीडियो, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल का वीडियो है मेरे लाइफ का, समझ लेना भाई बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस वीडियो होगा वो, और उसके लिए भाई मैं बहुत सारी रिस्क भी लेने वाला हूँ उस वीडियो के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट रामेश्वरम वीडियो गाइस, सो कीप वॉचिंग, दैट नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग अप सून, सो कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।